बाड़मेर जैसलमेर में जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई, वहां की राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि इससे स्थिति बदलेगी। वहीं मानवेंद्र जसोल के मोदी के मंच पर मौजूद होने को भी राजनीति के जानकार मोदी का मास्टर स्ट्रोक मान रहे। लेकिन जब इस बारे में रविंद्र भाटी से बात की गई तो रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि मानवेंद्र जसोल मेरे बड़े भाई हैं, उनका ये व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन ये सच है कि हम हमेशा उनके साथ रहे हैं। वहीं मोदी से जुड़े सवाल पर रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि राजनीति में कोई मिथक कोई अफवाह फैलाई जाती है, यह राजनीतिक दौर है, इसमें सब अच्छा होगा। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी कहते हैं कि वो जहां भी जा रहे हैं जनता उनका खुले दिल से स्वागत कर रही है और उनको उम्मीद है कि इसके परिणाम भी सुखद होंगे। बाड़मेर जैसलमेर में जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई, वहां की राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि इससे स्थिति बदलेगी। वहीं मानवेंद्र जसोल के मोदी के मंच पर मौजूद होने को भी राजनीति के जानकार मोदी का मास्टर स्ट्रोक मान रहे। लेकिन जब इस बारे में रविंद्र भाटी से बात की गई तो रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि मानवेंद्र जसोल मेरे बड़े भाई हैं, उनका ये व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन ये सच है कि हम हमेशा उनके साथ रहे हैं। वहीं मोदी से जुड़े सवाल पर रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि राजनीति में कोई मिथक कोई अफवाह फैलाई जाती है, यह राजनीतिक दौर है, इसमें सब अच्छा होगा। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी कहते हैं कि वो जहां भी जा रहे हैं जनता उनका खुले दिल से स्वागत कर रही है और उनको उम्मीद है कि इसके परिणाम भी सुखद होंगे। बाड़मेर जैसलमेर में जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई, वहां की राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि इससे स्थिति बदलेगी। वहीं मानवेंद्र जसोल के मोदी के मंच पर मौजूद होने को भी राजनीति के जानकार मोदी का मास्टर स्ट्रोक मान रहे। लेकिन जब इस बारे में रविंद्र भाटी से बात की गई तो रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि मानवेंद्र जसोल मेरे बड़े भाई हैं, उनका ये व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन ये सच है कि हम हमेशा उनके साथ रहे हैं। वहीं मोदी से जुड़े सवाल पर रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि राजनीति में कोई मिथक कोई अफवाह फैलाई जाती है, यह राजनीतिक दौर है, इसमें सब अच्छा होगा। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी कहते हैं कि वो जहां भी जा रहे हैं जनता उनका खुले दिल से स्वागत कर रही है और उनको उम्मीद है कि इसके परिणाम भी सुखद होंगे। बाड़मेर जैसलमेर में जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई, वहां की राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि इससे स्थिति बदलेगी। वहीं मानवेंद्र जसोल के मोदी के मंच पर मौजूद होने को भी राजनीति के जानकार मोदी का मास्टर स्ट्रोक मान रहे। लेकिन जब इस बारे में रविंद्र भाटी से बात की गई तो रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि मानवेंद्र जसोल मेरे बड़े भाई हैं, उनका ये व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन ये सच है कि हम हमेशा उनके साथ रहे हैं। वहीं मोदी से जुड़े सवाल पर रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि राजनीति में कोई मिथक कोई अफवाह फैलाई जाती है, यह राजनीतिक दौर है, इसमें सब अच्छा होगा। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी कहते हैं कि वो जहां भी जा रहे हैं जनता उनका खुले दिल से स्वागत कर रही है और उनको उम्मीद है कि इसके परिणाम भी सुखद होंगे।